वैसे दोस्तों जब भी इंडियन मार्केट में अगर एक इलेक्ट्रिक कार का जिक्र हो रहा है या उसकी बात छेड़ी जा रही है तो वहाँ पे भाई टाटा का नाम जरूर आता है, क्योंकि टाटा ही एक ऐसा ब्रांड है जो आपको इलेक्ट्रिक में काफी सारी वैरायटीज प्रोवाइड करा देता है। चाहे आप इसकी हैरियर ले लीजिए, चाहे आप इसकी नेक्सॉन ले लीजिए, या चाहे आप इसकी टियागो ले लीजिए, सब गाड़ियों में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई टाटा की न्यूली लॉन्च गाड़ी के बारे में जो हुई है कर्व। ये गाड़ी आपको पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शंस में देखने के लिए मिल जाती है। जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई, ये गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन हमारे सामने खड़ा है। तो आज डिटेल से बात करेंगे हम यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में कि भाई यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या फीचर्स यहाँ पे आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं, प्राइस रेंज क्या रखी गई है, कितने से स्टार्ट है। तो सारी बातें डिटेल्स होंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ भाई, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स और भी मिलते रहें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। सामने हमारे जो मॉडल खड़ा है भाई, ये है कर्व का टॉप एंड वेरिएंट। वैसे इसमें आपको तीन वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो बेस से स्टार्ट होता है वो आपका क्रिएटिव आता है, जो सेकंड टॉप इसका कहा जाता है वो है आपका अकम्प्लिस, जो टॉप मॉडल है उसे कहा जाता है आपका एम्पावर्ड। तो ये वेरिएंट जो हमारे सामने खड़ा है एम्पावर्ड का 55 किलोवाट वाला वर्जन हमारे सामने खड़ा है, यानी बैटरी ऑप्शन भी ज्यादा वाला है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं वैसे, 55 किलोवाट और 45 किलोवाट। 45 किलोवाट वाला आपको लोअर वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाता है, यानी बेस वेरिएंट से मिल जाता है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको भाई बेस मॉडल 17.5 लाख रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है। और अगर इसके टॉप वेरिएंट तक का जाएंगे तो आपको 22 लाख रुपए तक का देखने के लिए मिलता है, यानी 17.5 से स्टार्ट होते हैं वेरिएंट्स और 22 लाख रुपए में आपको खत्म हो जाते हैं। ये एक्स शोरूम वैल्यू है, आरटीओ की कॉस्ट इसमें थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो जो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है भाई, ये 22 लाख रुपए वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, 21,99,000 रुपए का एक्स शोरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑन रोड अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए आप इससे ऊपर मान लीजिए, यानी वो आपको 23.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में खड़े हैं तो बात करेंगे सबसे पहले भाई लुक्स की, क्या लुक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। भाई फ्रंट का लुक तो आपको सेम एज इट इज वही नेक्सॉन वाला देखने के लिए मिलेगा, वही कनेक्टेड DRL यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको ये DRLs देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी में आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो भाई ये आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। लो बीम, हाई बीम आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये भी आपको LED में मिलेंगे। ग्लॉसी का वर्क काफी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको देखिए ग्लॉसी में देखने के लिए मिलता है, और उसी के ऊपर से आपको क्रोमिंग का इंसर्ट भी देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा क्रोमिंग का इंसर्ट है जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस भी करता है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको भाई फ्रंट में कैमरा भी देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब कि इस गाड़ी में आपको 360° कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के अंदर आपको पावर आउटलेट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, वो कुछ इस तरीके से मिलती है, ये देखिए। फिर हुड में बात करेंगे, कर्टेन क्रीजेस वही सेम नेक्सॉन वाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। और चौड़ाई की बात करूं तो 1810 mm की ओवरऑल चौड़ाई यहाँ पे आपको गाड़ी की देखने के लिए मिलेगी। अब भाई साइड पोर्शन अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ तो ये देखिए भाई, गाड़ी का लुक साइड से देखने में जो बनता है ना, ये है भाई, मतलब टाटा है तो मुमकिन है भाई। टाटा ने आपको दे दी एक कूपे डिजाइन गाड़ी यहाँ पे जो हमारे सामने खड़ी है भाई। वैसे तो एक कूपे डिजाइन गाड़ी आपको सिट्रोइन ने भी दे दी है इंडिया में, जिसकी प्राइस रेंज मैंने बताई थी भाई 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन में आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिल रही है, आप उसे जाके जरूर वॉच आउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इसकी, तो लंबाई की अगर बात करेंगे 4310 mm की ओवरऑल लंबाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी की। और अगर टायर की बात करेंगे तो भाई ये देखिए, टायर यहाँ पे आपको मिलते हैं 18 इंच के, कुछ इस तरीके से अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। 4x4 टायरों में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 215/55R/18 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। क्लैडिंग वाले पार्ट की बात करेंगे तो आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो आपका कनेक्टेड है पूरी गाड़ी में। नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो भाई यहाँ पे से ये ग्लॉसी वाला पैटर्न है जो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, फिर यहीं से आपका घूम के वहां चले जाता है, और यहीं से घूमेंगे तो आपका पूरा डोर से कनेक्टेड होकर पीछे को भी कैरी ऑन हो रहा है। मतलब ग्लॉसी ब्लैक का वर्क काफी हो रखा है गाड़ी में। अगर ओवरऑल हाइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 1637 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिल जाती है। OVM की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए कैमरे का पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है, 360° कैमरा है तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। रूफ जो मिलते हैं भाई, ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाती है, और ऊपर से इसमें आपको मिल जाता है पैनोरमिक सनरूफ। B+ की बात करेंगे तो भाई ये आपको मिलते हैं पूरे मैट ब्लैक में। डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो ये मिलते हैं थोड़े से स्टाइलिश वाले भाई, यहाँ पे ये काम कर रखा है। मतलब अगर टाटा आपसे पैसे ले रहे हैं ना तो सारी स्टाइल वाली चीजें भी दे रहा है। बाहर से ही आप देख लीजिए गाड़ी थोड़ा सा लग जरूर प्रीमियम रही है, इस तरीके से आपका ये आप इसको ऐसा करेंगे और फिर इसको
खींचेंगे तो आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है जो इल्यूमिनेट भी करती है जब गाड़ी ऑन है। तो फिर नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डोर्स में ईवी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, डॉट ईवी की। और अगर बात करें गाड़ी के व्हील बेस की तो भाई वो आपको मिलता है 2560 mm का। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको गाड़ी का देखने के लिए मिलता है। भाई मतलब जितनी सुंदर ये आपको बाहर से देखने के लिए मिलती है ना, उतनी सुंदर ये आपको अंदर से भी देखने के लिए मिलती है। भाई देखिए मैं किसी गाड़ी का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे सिट्रॉइन की जो गाड़ी आई है बसोल्ट, तो उसमें क्या है बाहर से तो गाड़ी देखने में बड़ी प्रीमियम लगती है लेकिन अंदर से वो प्रीमियमनेस वाले फील उसमें उतना नहीं आता है। आता है लेकिन उतना नहीं आता है। लेकिन जब आप इसे अंदर से देखेंगे ना तो आप कहेंगे भाई क्या चीज है। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके पीछे से, रियर से। तो भाई रियर से गाड़ी का लुक आपको भाई ये देखने के लिए मिलता है। भाई ये पैसा तो इसी चीज का है, पूरी कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी इन्फिनिटी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है, सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कर्व की बैजिंग आपको मिल जाएगी, डॉट ईवी की बैजिंग भी मिलती है। ग्लॉसी का वर्क बहुत जगह कर रखा है देखेंगे तो आप। यहाँ पे ये पूरा जो रियर बम्पर सेक्शन है ये भी आपका पूरा ग्लॉसी में ही आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 points में ही पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। डिफ्यूजर वाला पार्ट यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे फ्रंट में आपको स्किड प्लेट सिल्वर कलर में मिली थी, यहाँ पे आपको डिफ्यूजर वाला पार्ट भी सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर आपको इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के। और ये ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको भाई डिफॉगर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में शार्क फिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। बूट की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कमाल तो ये है। ये देखो भाई इंडिकेटर कैसे चल रहे हैं, देखा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का इंडिकेटर चल रहे थे। तो भाई यह है इसका कुछ बूट। बूट की बात करेंगे तो भाई 500 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। बूट लैंप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हैंगिंग के लिए ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, दो दो मिलते हैं। इस साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये क्या खुलता है क्या ये भाई, एडिशनल टूल वगैरह, मतलब शायद मेरे ख्याल से जो चार्जिंग वगैरह रखना चाहते हैं आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये यहाँ पे भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे आपको एक सबवूफर की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। और ये क्या है, ये कुछ चार्जिंग का एरो बना रखा है, समझ में नहीं आ रहा किस चीज के लिए है। बाकी यहाँ पे पार्शल ट्रे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए इस बटन को दबाएंगे तो आपका बूट फिर से बंद हो जाता है। और ये देखिए इंडिकेटर जब चलते हैं ना कितने प्यारे लगते हैं देखना भी। और ये देखो भाई यहाँ तक का गया एकदम फेडेड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन यहाँ पे कर रखा है। और अगर इसकी ड्राइवर साइड चलते हैं तो भाई ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका रिक्वेस्ट सेंसर का बटन। और चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। खोलें अब इसे तो दरवाज़ा अनलॉक करते हैं और ये खुलेगा ऐसे करके। और भाई ये देखो भाई कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दो पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल टोन में मिलता है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये सॉफ्ट टच पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक का वर्क आपको मिल जाएगा। चार के चार जो विंडोज हैं ये आपको पावर विंडोज देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल क्रोमिंग में देखने के लिए मिलता है। ओआरवीएम आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई आपको ये देखिए बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको मैप पॉकेट मिल गई, ये आपको अम्ब्रेला पॉकेट देखने के लिए मिल जाएगी। स्पीकर्स जो मिलते हैं ये आपको JBL के देखने के लिए मिलते हैं, यानी JBL का साउंड सिस्टम मिल जाता है। टोटल जो स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं वो 9 स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। और इंटीरियर भाई ये है कुछ इसका इंटीरियर, इस तरीके से व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इंटीरियर में भी। और अगर सीट्स की बात करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे साइड्स में तो फैब्रिक देखने को मिल रहा है, सेंटर में आप देखेंगे तो आपको भाई लेदराइट मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको वेंटिलेटेड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बटन आपको मिल जा रहा है। और ये जो सीट्स आपको मिलेंगी ड्राइवर साइड वाली वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सीट्स में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि जो इसमें आपको स्टिचिंग मिल रही है ब्लूइश कलर का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है स्टिचिंग में। फिर गाड़ी का जो हुड है आप वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए फ्यूल टैंक का तो खैर होगा नहीं क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक है तो कहां से होगा। और ए और बी यहां पे आपको मिल जाएगा गाड़ी में देखने के लिए। और यहां पे आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पे हल्का सा आपको आउटर से देखेंगे तो 3D का टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा, यानी पैटर्न देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। और ये देखो भाई क्या बात है। और चाबी में भाई चाबी आपको मिलती है भाई कुछ इस तरीके से, इसमें काम कर रखा है टाटा ने भाई, मतलब पूरी स्टाइलिश, मतलब गाड़ी क्या बनाई और उसके साथ जो चाबी बनाई है ना ये भी कर्वी डिजाइन में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। बहुत स्टाइलिश बना रखी है, काफी अच्छा खासा काम किया यहाँ पे टाटा ने। लेकिन यहाँ पे आपको भाई टाटा की ब्रांडिंग नहीं दिखती, ईवी की ब्रांडिंग दिख रही है, ये क्यों क्या पता नहीं। और चलिए दरवाजा करते हैं बंद। तो ये देखो भाई सबसे पहले इंटीरियर
कुछ इस तरीके से देखते हैं भाई, मतलब इंटीरियर देखने में वही टाटा नेक्सॉन ईवी जो आपने देखा था ना अंदर से, सेम वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या मिलती है ना भाई, वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई ये आपको पूरा सॉफ्ट टच लेदराइट में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन है थोड़ा सा हार्ड ही, लेकिन इसके ऊपर से लेदराइट की कवरिंग जैसे चढ़ाई हुई है। और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की स्टिचिंग मिल जाएगी, ये 3D पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए सिल्वर कलर वाला इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और ऊपर आपको ये ब्लैक पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम भाई इसमें सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है, कितने का भाई, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको हरमन गार्डन का देखने के लिए मिलता है भाई। देखिए हरमन गार्डन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और साउंड सिस्टम आपको मिल रहा है JBL का भाई, तो क्या मजा नहीं आएगा। इसको ऑन करते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और ये हो गई गाड़ी ऑन। ये देखो भाई यहाँ पे आपको मिल जा रही है एम्बिएंट लाइट्स मिल रही है, और ये कलर चेंज करती है भाई आपके मूड के हिसाब से, आप जैसा कलर करना चाहते हैं वैसा आप इसको कर सकते हैं। और एक और चीज भाई, जैसे आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे ना, ये देखिए तो ये लाइट स्पोर्ट्स में रेड हो जा रही है, ये सिटी ड्राइव मोड है ब्लू हो जा रही है, और ये ग्रीन हो जा रही है, यानी कि आपको इसमें माइलेज अच्छा मिलेगा गाड़ी का, मतलब रेंज ज्यादा अच्छी मिलती है यहाँ पे गाड़ी की। फिर यहाँ बात करेंगे तो दो एसी वेंट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम जैसे मैंने बताया, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, और काफी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, देखिए अमेजोन एलेक्सा है, एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, एयर प्यूरीफायर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। ईवी वाला ये है, क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, ये आपको पूरा टच में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और ये देखिए, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरे का बटन आपको मिल जाता है, और जिसको हम दबाते हैं तो ये भाई इसका 360 डिग्री कैमरा ऐसे करके ऑन हो जाएगा। बाकी इसे ऐसे ही दबा देते हैं, ये बंद हो जाएगा। सेंटर लॉकिंग का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपका बूट ओपनिंग का मिल जाता है, यहाँ पे आप दबाएंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बूट रिलीज यहीं से मिल जाता है आपको यहाँ पे दबा के, खाली टच है आपका, टच में ही आपको यहाँ पे हजार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसको ऑफ कर देते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में, ये आपका फॉग लैंप का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट वाला खोलने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है, इसको आप दबाएंगे तो आपका चार्जिंग, ये इसको दबाएंगे तो चार्जिंग वाला आपका बाहर से ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपका चार्जिंग जब लगेगी तो ये आपको साइन हुआ दिख जाता है। फिर यहाँ देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट है, टाइप सी का पोर्ट है, टाइप ए का पोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और ये मिलता है भाई इसका कुछ गियर नॉब भाई यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिल जाएगी, ऑटो होल्ड का बटन मिल जाएगा, ये आपको वही इको सिटी स्पोर्ट मोड है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और आर्म रेस्ट ये आपको फिक्स में मिलता है, लेकिन स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, छोटी सी स्टोरेज मिलेगी भली। और भाई बात करेंगे ग्लोब बॉक्स की, तो भाई यहाँ पे आपको स्विच मिलता है कुछ इस तरीके से, और ये देखिए भाई इसका ग्लोब बॉक्स खुल गया। यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपको ऑर्गेनाइजर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लोब लैंप में मिल जाता है, कूल्ड में भी आपको देखने के लिए मिलता है, प्लस ऊपर से आपको टैबलेट ट्रे भी देखने के लिए मिल जाती है। इसे बंद कर देते हैं, स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो भाई ये है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाड़ी में, और इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। ये काफी अच्छा खासा पैटर्न है, जो केवल आपको टाटा में ही देखने के लिए मिलेगा भाई, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पे ये देखिए एडास के फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि टॉप एंड है तो इसमें आपको एडास देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप क्लस्टर को ये देखिए चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन है, नोटिफिकेशन है, एनर्जी इन्फो है, सेटिंग है, ये ट्रिप रेंज है, और इस तरीके से आप ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीजें चेंज करेंगे, यहाँ से आपका क्रूज कंट्रोल आपका एक्टिवेटेड हो जाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं, और स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलता है भाई टिल्ट, और ओहो ये आपका टिल्ट ही मिलता है यार, टेलीस्कोपिक नहीं आता इसमें भाई, तो चलो ठीक है ये टिल्ट हो गया आपका। बाकी यहाँ पे से आपको इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देखिए अब आपको इस तरीके से जैसे ये है साइड में आपको देखिए ब्लू बढ़ता हुआ जा रहा, ये तो ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वाला है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे जैसे आप ब्रेक यूज करते हैं तो वैसे वैसे आपकी बैटरी को भी चार्ज करते रहता है। और जो क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भाई, ये आपको मिलता है 10.25 इंच का, मतलब यही भी आपको मिल रहा है। और स्टीयरिंग व्हील तो भाई आपको डुअल टोन में मिल रहा है, व्हाइट और ये ग्रे का पैटर्न देखने के लिए मिल जा रहा है, जो थोड़ा सा लग्जरियस फील करा रहा है। यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग देखने मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई ये आपको ऑटो डिमिंग IRM मिल जाता है, रीडिंग लैंप आपको LED में देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको SOS का बटन भी है, यानी इमरजेंसी का बटन है, माइक की प्लेसिंग यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर है, और यहाँ पे आपको भाई वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो भाई ये देखिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी मूड लाइट देखने के लिए मिल जा रही है, और ये जो मिल रहा है ना इसमें भाई, ये है इसमें भाई पैनोरमिक सनरूफ। कूपे डिजाइन गाड़ी तो आपको मिल रही है इंडिया में, लेकिन उसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर आप बात करेंगे सिट्रोइन की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और बाकी कर्व में यही चीज है, टाटा भाई जो चीज करता है बहुत सारी चीजें सोच समझ के करता है, जितनी सुंदर गाड़ी इन्होंने बाहर से बना रखी है उतनी सुंदर ये आपको अंदर से भी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी सनरूफ इसको तरीके से बंद कर देते हैं, और यहाँ पे लाइट तभी चलेगी जब ये आपका ट्रे भी पूरी वापस बंद होगी,
जैसे देखना। और अभी ये गई और ये हो गई यहाँ पे बंद और ये जल गई लाइट। तो ये काफी अच्छा खासा फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है भाई। अगर ये ट्रे खुली है तो भी आपका जलेगा नहीं। अब बात करते हैं कम्फर्ट की। तो भाई ये देखो, कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, सीट्स की पोजीशनिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है, आप सीट्स में काफी अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। यहाँ पर साइड्स में देखिए आपको बकेट फिट का डिजाइन देखने के लिए मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे डोर खोलते हैं तो भाई यहाँ पे आपको वही पैटर्न मिल जाता है डुअल टोन में। यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ग्लॉसी ब्लैक का ग्रैबिंग हैंडल मिल जा रहा है, डोर हैंडल वही आपको क्रोमिंग में देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे चेकआउट करूँ पावर विंडो का स्विच है, बॉटल होल्डर स्पेस है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है, अगेन यहाँ पे आपको JBL की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। इंटीरियर रियर से आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो रियर के हेडरेस्ट हैं वो भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है जिसमें टू कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा और टाइप सी का पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर से लाइटनिंग, चलो वो अंदर बैठ के देखते हैं। और इसमें घुसेंगे हम अंदर ऐसे और ऐसे बैठेंगे और सीट करते हैं, ये बंद करते हैं दरवाजा। तो भाई ये देखो सीट ये पीछे बहुत कर रखी है मैंने और फिर भी आप देखेंगे लेगरूम स्पेस मिल रहा है अच्छा खासा आपको, नी रूम स्पेस अच्छा खासा देखने के लिए मिल जा रहा है। फ्रंट के हेडरेस्ट तो खैर एडजस्टेबल आएंगे, टॉप मॉडल है, 22 लाख रुपए का तो मिलेंगे नहीं क्या। और यहाँ पे आपको देखिए रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं साइड्स में, क्योंकि पैनोरमिक सनरूफ है तो सेंटर में नहीं आपको मिल सकती थी रीडिंग लैंप्स। और फिर यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल दोनों साइड मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कोट हैंकर भी देखने के लिए मिल जाता है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई ये देखो कंफर्ट के मामले में हेडरूम स्पेस भी अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, रिक्लाइनिंग एंगल भी आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है वो है भाई ये पीछे की जो सीट्स हैं वो 60-40 रेशियो में फोल्डेबल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ इसके रियर सीट्स का। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की, मतलब इंजन क्या मोटर की, कि भाई क्या मोटर है, क्या बैटरी है, क्या आउटपुट दे रही है, कितना माइलेज है, मतलब कितनी रेंज है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चले चलते हैं इंजन बे की तरफ। ओ भाई हैवीनेस तो है भाई, अटक जाएगा क्या ऐसे, नहीं अटकेगा तो नहीं लेकिन सीधा बहुत हो जा रहा है भाई ये। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसकी मोटर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मोटर की वैसे बात करें तो ये आपको 165 bhp की पावर निकालता है और अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको निकाल के देती है। यहाँ पे जो मोटर फिट हुई है इसकी सेकंड जेन मोटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और रेंज की बात करूं तो भाई रेंज जो यहाँ पे टाटा क्लेम कर रहा है वैसे तो 585 किलोमीटर का क्लेम कर रहा है, बट अगर आपने जैसे वीडियोस और भी देखी होंगी यूट्यूब्स में तो वहां पे जो इसकी एक्चुअल रेंज निकल गई है वो 400 किलोमीटर तक का आई है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर इस गाड़ी से आप एक अच्छा खासा लंबा ट्रिप मार सकते हैं अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो, क्योंकि भाई कितना चलेगा एक दिन में इंसान, अगर 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर चलेगा तो उतना काफी है। तो यहाँ पे आपको 400 तक की रेंज फिर भी देखने के लिए मिल जाती है। और ब्रेकिंग्स में क्या बात करूं भाई, ब्रेकिंग्स में तो इसमें आपको सभी चीज मिल जाती है, ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट वगैरह सारी चीजें हैं। ट्रैक्शन में भी ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी में भाई ADAS लेवल 2 आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी जो सेफ्टी से रिलेटेड होंगी। फिर अगर बात करेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ खाली खाली देख रहा होगा ना, तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका फ्रंक में जो आपको कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है वो मिलती है 11.6 लीटर की, और उसमें आप छोटा मोटा सामान अपना स्टफ वगैरह कैरी कर सकते हैं इजी वे में। अभी तो इसमें फिट नहीं है क्योंकि जो इसका फ्रंक है वो आपका बूट में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आपने बूट में देखा होगा ना वहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ था। और बाकी वारंटी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मोटर की वारंटी तो 3 साल 1,20,000 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर बैटरी की वारंटी की बात करूं तो वो आपको मिलती है भाई 8 साल तक की, और भाई जो बैटरी है 55 किलोवाट की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर इसे आप चार्जिंग की बात करूं तो भाई जैसे अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपका ये 40 मिनट में 80% कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप इसे नॉर्मल जो AC चार्जर है उससे चार्ज करते हैं तो ये आपको भाई 8 घंटे में पूरी गाड़ी चार्ज करके देता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस कर्व गाड़ी के बारे में जो न्यूली लॉन्च है यहाँ पे टाटा की, ये टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। डिटेल्स हमने इस गाड़ी के बारे में जाना कि भाई क्या प्राइस रेंज है, क्या फीचर्स हैं, क्या रेंज है, सारी चीजें जानी। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखी तो एक बार जाके वीडियो को फिर से पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको गाड़ी के बारे में पूरा पता चल जाए। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और भाई जो लोग न्यू व्यूअर्स है ना वो जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।